नमस्कार। पिछले जीरो आर में मैंने सरकार के एकाएक वो मनमाने फैसलों का जिक्र किया था। ऐसे ही एक और फैसले के कारण देश का अन्नदाता आज वैश्विक महामारी, लॉकडाउन, बारिश, ओलावृष्टि और टिड्डियों के प्रकोप से परेशान है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किसानों का भावुक वर्णन किया है। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थर थर आता गात है। तो कभी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, ये लाभ कैसा है ना जिसका मोह अब भी वो त्यागते। केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के केवल 3% बढ़ोतरी करके किसानों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। क्या इसने वायदे के अनुसार अन्नदाता की आय दुगनी कर पाएंगे? लेकिन आज सरकार उनके घाव पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रही है। किसान आज कर्ज में है, लेकिन सरकार का समर्थन और सहयोग नहीं, और ना ही अथक प्रयास का सम्मान। आत्मनिर्भरता की केवल बात करने वाले शायद नहीं जानते कि कभी सूखे की मार तो कभी मौसम का अत्याचार से किसान कभी नहीं डरते। उसकी उम्मीद धूप, हवा, बारिश और ओलावृष्टि से कभी कम नहीं होती। वो इनसे लड़ते हैं, पर बेरुखी सरकार की नीतियों और फैसलों की वजह से आज किसानों पर संकट है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए था कि किसान केवल खराब हुई फसलों से होने वाली आय ही नहीं, बल्कि डीजल, बीज, खाद व कीटनाशक पर हुआ खर्च भी हासिल नहीं कर पाएगा, निकाल नहीं पाएगा। ऐसे में एक नए कर्ज में ही डूबेगा। अर्थव्यवस्था की धाराशाही होने के साथ साथ ग्रामीण खपत में भी आज भारी गिरावट आई है और गरीबी बढ़ रही है। कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सब कुछ इंतज़ार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। उसके बाद की सरकारें किसानों को हमेशा प्राथमिकता देती रहीं, जिससे भारत में कृषि के विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हुए और देश आज खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। आज सरकार देश के अन्नदाता के सब्र का इम्तहान मत ले।